कलायत विधानसभा से सतविंदर राणा भी अब की बार ले सकते हैं बड़ा फैसला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भर सकते हैं हुंकार। कलायत विधानसभा में एकमात्र कांग्रेस के नॉन जाट लीडर हैं सतविंदर राणा। सतविंदर राणा कलायत से पहले भी लड़ चुके हैं चुनाव। 2019 में जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ प्राप्त किए थे 38,700 वोट। नाम सतविंदर राणा। साथियों, कलायत विधानसभा में इन नाम को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सतविंदर राणा कलायत विधानसभा से एकमात्र नॉन जाट लीडर है और सतविंदर राणा राजौंद हल्के से विधायक भी रह चुके हैं। वर्तमान में राणा कांग्रेस की टिकट के मजबूत दावेदारों में से एक है और वे कलायत विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बता दें कि इस विधानसभा से सतविंदर राणा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2019 में हुए चुनाव में उन्होंने जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, 38,700 वोट हासिल किए थे। सतविंदर राणा दो बार विधायक रह चुके हैं। फिलहाल सतविंदर राणा को कांग्रेस की टिकट की आस है। राणा का मानना है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है और यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती है तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि सतविंदर राणा कालका से भी दो बार चुनाव लड़ चुके हैं। इसके साथ ही सतविंदर सिंह राणा 2007 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी में प्रदेश महासचिव भी रहे हैं। वहीं 2009 और 2014 में उन्होंने कालका से चुनाव भी लड़ा था। आपको बता दें कि करीब 5 महीने पहले सतविंदर राणा ने जेजेपी से अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थामा था। उन्होंने जेजेपी को अपना इस्तीफा लिखते हुए कहा था कि जननायक जनता पार्टी के द्वारा अपने पूरे 4.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान नेताओं व जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई और न उन्हें उचित सम्मान दिया गया। इसके अलावा जेजेपी के प्रदेश सरकार में रहते हुए किसानों, मजदूरों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की भी घोर उपेक्षा की गई है। पार्टी के ऐसे रवैये के कारण मैं जननायक जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। फिलहाल चुनाव महीने भीतर में एंट्री कर चुका है। अब देखना ये होगा कि गठबंधन को लेकर दोनों ही पार्टियों में क्या सलाह बनती है और सतविंदर राणा चुनाव को लेकर क्या निर्णय लेते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहें कैथल टीवी के साथ।